नाम रिजवान अहमद है, मैं सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड से एम्बुलेंस ऑफिसर हूँ। एम्बुलेंस रैंक मेरा एम्बुलेंस ऑफिसर है, जिसमें हम 10 लोग सैनिटाइज का काम कर रहे हैं। तब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर कर रहे हैं हम, जानवरों को खाना खिला रहे हैं, जानवरों को पानी पिला रहे हैं, हम सारा कुछ कवर कर रहे हैं सर हम। और सारा पूरा नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमारे 10 मेंबर हैं वो जो काम कर रहे हैं कंटिन्यू, तो हम उन लोगों को सैनिटाइज कर रहे हैं पूरा। ऑल टोटल पूरा सर सैनिटाइज कर चुके हैं हम नॉर्थ ईस्ट का। हर तीसरे दिन उस जगह को दोबारा हम लोग सैनिटाइज करने पहुंच जाते हैं सर। बहुत अच्छा सर लोग कह रहे हैं कि हमारा सैनिटाइज कर रहे हैं हम सर। घर घर जा कर के पूरा एरिया सैनिटाइज करते हैं, पूरा गेट करते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च कुछ बाकी नहीं छोड़ते हम सर। टोटल सैनिटाइज कर रहे हैं सर, कुछ भी रेड जोन एरिया है क्या? नहीं सर, ये अभी कोई रेड जोन एरिया नहीं है सर। रेड जोन एरिया के लिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। अभी तो ये सर ऐसे ही नॉर्मल एरिया है सारे। सैनिटाइज का काम हो रहा है और इसके अलावा अलग अलग एरियो हैं फूड का, जो मतलब बहुत लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा, जिनके पास ना तो गवर्नमेंट की तरफ से ना किस तरह से कोई राहत नहीं पहुँच पा रही है। तो ये टीम जो ना उसके लिए काम कर रही है, बहुत मेहनत से काम कर रही है, लगी हुई है अलग अलग एरियो के अंदर। इधर लोनी हो गया आपका, खजूरी हो गया, और भी कबीरनगर हो गया, मुस्ताबाद हो गया, शिव विहार हो गया, तो सारे एरियो में काम चल रहा है। ये रियाजुद्दीन है, मुझे वैसे पम्मन बोलते हैं, तो मैं भी इन लोगों के साथ में ही जुड़ा हुआ हूँ। मैं मोहम्मद शफीक मेरा नाम है, और हम लोग हमारी पूरी टीम है जो कि हम ये राशन का वितरण कर रहे हैं। और यहाँ पर एक्चुअल में जिस दिन से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, हमारा कंटिन्यूटी इससे ऐसे कामों में हिस्सा हम ले रहे हैं रेगुलरली, क्योंकि यहाँ लोग बहुत परेशान हैं, हालात ख़राब हैं, लॉकडाउन हो गया है और उसमें हर आदमी परेशान हो रहा है। तो उसके लिए हम इन कामों में लगे हुए हैं, और हम चाहते हैं ये काम रेगुलर चले, और जब तक के लोग परेशान रहें तो परेशानी ये दूर थोड़ी बहुत जैसी भी हो दूर हो जाए। और कर रहे हैं आप इसमें? देखिए वैसे तो हमने काफ़ी दिल्ली में भी और इधर उधर बात भी बहुत एरिया में बांटा है, लगभग कह नहीं सकते कुछ, लेकिन अब हो सकता है कि कितनी फैमिली को चला गया ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन जिस दिन से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है उसी दिन से हम कंटिन्यू उस काम को रेगुलर कर रहे हैं। इसका सहयोग कहाँ से आपको मिल रहा है इसके लिए? सहयोग कुछ नहीं, हमारे 5-7 आदमी की टीम है, हम आपस में ही उसको कर रहे हैं। किसी से हम डोनेट नहीं ले रहे, किसी से चंदा नहीं ले रहे, किसी से हम बाहर से कोई पैसा नहीं ले रहे। 5-7 लोग ही हमारी अपनी टीम है, हम सब मिलकर आपस में ही कर रहे हैं ये काम।